कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कोविड के खौफ के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इसीलिए धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित हो गई है, मगर तीर्थ पुरोहित इससे काफी नाराज हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तीन मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। दो साल बाद चारधाम यात्रा के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार चारधाम में तीर्थ यात्रियों की काफी भीड़ रहेगी। वहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, इसीलिए सरकार ने चारधाम यात्रा पर कुछ पाबंदियां भी लगाई। हर धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। गंगोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 7,000 यात्री ही दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। मगर तीर्थ पुरोहित सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि दो साल बाद यात्रा शुरू हुई है, इसीलिए सरकार को कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। तीर्थ स्थलों में चारों धामों में जिस तरह से संख्या निर्धारित की गई है, जैसा बद्रीनाथ में एक दिन में 15,000 यात्री, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 यात्री ही एक दिन में दर्शनार्थ जा पाएंगे, तो हमें लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय है यह अव्यवहारिक है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही, इस यात्रा से उत्तराखंड के एक बड़े तबके का रोजगार जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा 2 साल तक प्रभावित रही। इस बार कोरोना का संक्रमण कम है, इसीलिए चारधाम से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उनका रोजगार चमकेगा। यही वजह है कि तीर्थ पुरोहित और व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को यात्रा पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और अब आपको ये बताते हैं कि अब तक यात्रा के लिए कितने लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लिया है। केदारनाथ धाम के लिए 91,161 लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है, जबकि बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पर 69,974 लोगों ने अब तक पंजीकरण अपना करा लिया है। यमुनोत्री धाम के लिए 44,951 और गंगोत्री धाम के लिए 44,127 लोगों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। वही कुल संख्या की बात करें तो ये संख्या 2,50,213 है जिन्होंने अब तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए जो कुल पंजीकरण की संख्या है वो 2,50,213 है। तो अच्छी खासी इस बार तादाद रहेगी श्रद्धालुओं की, क्योंकि 2 साल के बाद ये मौका मिल रहा है कि लोग खुलकर बिल्कुल